हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट आवर सेकंड टर्म चैप्टर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। क्षेत्रीय जो अंतर होते हैं उनका आदर करना, यानी अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग जो लोग रहते हैं उनके बोल चाल खाने पीने में रहन सहन में जो भी अंतर होता है उन सबका आदर करना। लेट स्टार्ट। इन भोगपुर टाउनशिप ऑफ पंजाब पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिव इन हार्मनी। पंजाब का एक कस्बा है भोगपुर, वहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जाति और धर्म से संबंधित हैं, फिर भी ये मिलजुल कर रहते हैं। देर आर नो साइन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। वहाँ पर अलग अलग समुदायों के अंदर जो भेदभाव होता है उसका कोई भी हमें साइन निशान नहीं दिखाई देता। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एट्सेट्रा। वे जो हैं लोग वहाँ के वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी आदि। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स टुगेदर लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एट्सेट्रा। ये बहुत से त्यौहार जो हैं वो भी इकट्ठे मनाते हैं, जैसे कि दीपावली हो गई, होली हो गई, ईद हो गया, गुरु नानक जयंती हो गई, महावीर जयंती हो गई आदि। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। यहाँ के जो लोग हैं ये अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। द वुमेन वियर सलवार कमीज, साड़ीज एंड लहंगा चोली। जो यहाँ की महिलाएं हैं वो पहनती हैं सलवार कमीज, साड़ी और लहंगा चोली। द मैन वियर कुर्ता पजामा, तहमत, लुंगी कमीज, सलवार कमीज और पैंट शर्ट। और जो यहाँ के आदमी हैं वो पहनते कुर्ता पजामा, तहमत जिसे लुंगी कहते हैं, लुंगी कमीज पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं और पैंट शर्ट या पैंट शर्ट पहनते हैं। मोस्ट पीपल हियर आर वेजिटेरियंस बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एन्जॉय नॉन वेजिटेरियन फूड। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं शाकाहारी हैं, लेकिन वो उन लोगों को भी सम्मान देते हैं जिनको मांसाहारी भोजन अच्छा लगता है। यहाँ पर मैप ऑफ पंजाब दिया हुआ है, यहाँ पर ये सारे जो टाउन वगैरह दिए हुए हैं उनकी फोटो है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग खाने की आदतें हैं, अलग अलग वो कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं, अलग अलग परंपराओं को और रीति रिवाजों को अपनाते हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ ए रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन। तो यहाँ पे ये बताया है कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं। तो अब यहाँ पे बताया फूड हैबिट के बारे में, भोजन की आदतों के बारे में। इसमें ये कहा है इसमें ये कहा गया है कि भोजन की जो आदतें हैं लोगों की वो डिपेंड करती है उस क्षेत्र की स्थिति के ऊपर, जलवायु के ऊपर और वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं इस बात के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया। उदाहरण के रूप में चावल जो है वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार होती है। हैंस राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल देयर। इसलिए चावल वहाँ की लोगों की मुख्य
भोजन है, वहाँ के लोगों का मुख्य जो भोजन है वो है चावल, क्योंकि चावल वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगते हैं और जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी को ज़्यादा खाया जाएगा। दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज, इसलिए साउथ इंडियन जो हैं वो चावल की बहुत सी अद्भुत डिशेज बनाते हैं। आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर एंड देयर फॉर फॉर्म एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी कश्मीरी डिशेज। अब इसी प्रकार से जो बादाम है वो बहुत ज़्यादा कश्मीर में उगते हैं, इसलिए ये कश्मीर की जितनी भी डिशेज होंगी, जो भी भोजन तैयार किया जाएगा कश्मीर का, उसमें बादाम एक मुख्य और महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट पदार्थ तत्व होगा। द अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट्स लैंग्वेजेस कल्चर फेथ्स एंड बिलीफ्स ऑफ अदर हैव मेड इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। भोजन की आदतें, भाषाएं, संस्कृति, विश्वास और जो दूसरे लोगों के जो बिलीफ्स होते हैं, विश्वास होते हैं, उनकी समझ और उनकी भोजन की आदतों वगैरह का सम्मान करना, लैंग्वेजेस का सम्मान करना, उनकी संस्कृति का सम्मान करना, उसकी वजह से हमारी जो भारतीय संस्कृति वो बहुत ही समृद्ध और अद्भुत बन चुकी है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम खोज करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की और राजस्थान की, जो भारतीय संस्कृति में जो ये महान विविधता है, जो अंतर है, उसको प्रकाशित करेंगे।